वेलकम टू Alpha Rabbit Show एंड आई होप यू गाइज enjoy. हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत ही हार्दिक स्वागत है वापस से Alpha Pets में. तो मेरे फर्स्ट वीडियो के लिए जो मैं आपसे सबसे पहले जो है मेरा सेटअप शेयर करना चाहूँगा. ये मेरा सेटअप है पिछले एक महीने से, सिंस वन मंथ दिस इज द सेटअप दैट आई एम हैविंग. एक्चुअली आई हैव केप्ट दीज बोथ बनीज सेपरेटली. आई हैव अ ब्लैक वन राइट हियर इफ यू कैन सी. Yeah, he's right over there. And this is the white one that I have. Both are males. And बात ये है actually कि white वाले जो है उसके कान पर थोड़ा सा infection हो गया है. तो ये वाला जो है उसके बार बार कान पर जाके बहुत सारा प्यार करता है. He sometimes you know licks his ears. So I cannot afford that because मैंने उसकी दवाई पानी करा दी. Oh my God, he's so sometimes he acts stupid. Trust me. तो एक्चुअली मुझे ये पिंजरों का जो सेटअप जो मैंने किया है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है. तो और अच्छा है भी नहीं एक्चुअली. तो मैंने क्या किया है कि मैंने इससे अच्छा सेटअप लाया है. तो इसका सेटअप जो है मैं प्ले पेन बना रहा हूँ, जो कि आप लोगों ने काफ़ी इंटरनेट पे और काफ़ी सारे दूसरे यूट्यूबर्स के पास देखा होगा सुना होगा. लेकिन आज मैं प्ले पेन खुद अपने आप से बना रहा हूँ. तो देखिए मैंने ये कुछ लकड़ियाँ लाई हैं और वो जाली लाई है. और ये मेरे घर का एक कोना है जहाँ पर मैं इसे बनाना शुरू करूँगा एक्चुअली. तो मैं आपको जाली दिखा देता हूँ. तो ये है वो जाली जो मैंने लाई है खरीद के बाजार से. और ये कुछ लकड़ियाँ हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये कुछ लकड़ियाँ जो मैंने खरीद के लाई हैं. तो ये जो मेरा एरिया है करेंटली 4 feet by 2 feet का बनाना है. तो ये जो लकड़ियाँ हैं, ये जो एक लकड़ी है इसको मैं दो तीन बड़ा करके आपस में चिटका के जो है बनाऊंगा. ये तो आप थ्रू आउट द वीडियो वैसे देख ही लेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. ओके, तो दोस्तों मैंने अभी जो किया है वो ये है कि मैंने ये दो लकड़ियाँ बना ली है और आपने अभी देखा रहेगा कि मेरा जो सेटअप है वो कैसा होने वाला. जो करने वाला हूँ वो ये है कि इस जाली को मैं अभी खोलूँगा और फिर मैं इसे इन दोनों लकड़ियों के बीच में जोड़ के स्क्रू से जोड़ दूँगा, एकदम फिक्स कर दूँगा. और फिर इन दोनों लकड़ियों को जोड़ के मेरा प्ले पेन तैयार हो जाएगा जिसके अंदर मेरे रैबिट्स घूमेंगे. Alright, so guys, I'm done with first part of my hutch. Not a hutch exactly, but a penthouse, you can say playhouse for the bunnies. It's a kind of holding the leash wires properly. And after I like fix the other one with it, attach it, it will hold it like properly. So now I'll just fix it, the second one, once again. Thank you.
DIY रैबिट पेन मेड बाय वुड और जाली, वुड एंड चेन, एंड इट कॉस्ट लाइक जस्ट 400 rupees. सो रेडी, हियर इट इज. एक्चुअली इसका कंस्ट्रक्शन अभी तक पूरा हुआ नहीं है. ये साइड जो आपको जाली दिख रही है, इन्हें मैं ये इस कटर के मदद से जो है काट कर उन्हें वहाँ पर जोड़ दूंगा, और फिर मैं बनी इसको छोड़ के देखूंगा अंदर हाउ दे आर रिएक्टिंग. इसमें कुछ खामियां वामियां हैं तो मैं वो पूरी कर दूंगा ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस में दिखा सकूं. वेल, मैंने जितना भी किया, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने इतना भी अफोर्ड करके अगर मैं इतना किया तो बहुत बड़ी बात है. सो जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ अप्रिशिएट करना. आई डोंट नो हाउ यू गाइस विल रिएक्ट. अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ बताना आपके आपको अच्छा लगा कि नहीं. ओके, तो जैसा कि आप लोग सभी देख सकते हैं, मेरे रैबिट से थोड़ा लकड़ी अच्छी लग गई, तो दे आर स्टार्टेड टू चू दैट, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एक्चुअली. और देख रहे हैं क्यूट से हैं, अभी रह रहे हैं यहाँ पर इनके नए घर में. और वो जो उसके चू करने का रीज़न है ना, उसको उसका भी इलाज है मेरे पास. वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूँगा ताकि वो लकड़ी को चू ना करें, ठीक है? तो इसका भी इलाज है हमारे पास. ओके, बेटर दोस्तों, आई होप आपको मेरा यूट्यूब चैनल जरूर पसंद आया होगा. तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से उस लाल बटन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें उन दोस्तों के साथ जिनके पास रैबिट्स हैं.